आज हम देखेंगे घर में ही आमने का मुरब्बा हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या लिया है, इसके लिए हमने लिए हैं ताज़े आंवले, जो लगभग 900 ग्राम मैंने लिए हैं। आंवले हमें बहुत अच्छे से हमें सिलेक्ट करने हैं, बहुत साफ़ और बड़े साइज़ के लेने हैं हमें, बहुत ज़्यादा दाग धब्बों वाले नहीं लेने हैं। बहुत ध्यान से हमें इसका सिलेक्शन करना है और इसको हमें एक फ्रेश वाटर से वॉश कर लेना है। उसके लिए क्या, 4 से 5 घंटे मैं इसको ऐसे ही पानी में डिप करके रख रही हूँ, तो उनकी सारी डस्ट जो है वो हट जाएगी, फूल जाएगी। उसके बाद हम इसको एक टॉवल से अच्छे से ड्राई कर लेंगे, अच्छे से उसको पोंछ लेंगे। क्योंकि आंवला क्या हमें प्रिजर्व करके रखना होता है, तो हमें इसमें बहुत ध्यान से इसको पोंछना है, बिल्कुल ड्राई करना है। अभी इनको हम अच्छे से 1 बाय 1 ड्राई करते जाएंगे, अच्छे से पोंछते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे। अब सारे आंवले जब हमने ड्राई कर लिए, पोंछ लिए हैं, इसको हमें प्रिक करना है। प्रिक करने के लिए हम किसी फोक का भी यूज कर सकते हैं और किसी नाइफ से भी इसमें होल कर सकते हैं। ये थोड़े टाइट होते हैं, तो हमें थोड़ा सा प्रेशर लगा के इसको प्रिक करना है। इसको हमें अच्छे से चारों तरफ से प्रिक कर लेना है। सारे आंवले हमने प्रिक कर दिए हैं, अब इनको हम एक साइड रखते हैं। आइए देखिए अब आगे हमें क्या करना है। बस अब पानी लेना है हमें, और इसमें मैं डाल रही हूँ फिटकरी। ऐसा नहीं है कि फिटकरी खाने में हमें नुकसान करेगी कोई, फिटकरी डालने से क्या होगा, ये जो आंवले का जो हमें तीखापन लगता है ना, जो थोड़े कड़वे कड़वे लगते हैं, थोड़े तीखे जैसे लगते हैं, तो वो वाला जो इसका टेस्ट है वो कम हो जाएगा। इसको हमें फिटकरी के पानी में डिप करके रखना है अच्छे से। 4 से 5 घंटे हम इसको पानी में डिप करके रखने वाले हैं, ताकि जो हमने प्रिक किया था ना, जो होल किए थे, तो अंदर तक ये पानी जाएगा और इसके कसालेपन को थोड़ा कम कर देगा। 5 घंटे हो गए हैं, अब हमें इसको फिटकरी के पानी से अलग करना है और साफ पानी से इसको अच्छे से 4 से 5 बार इसको हम वॉश करने वाले हैं। ताकि हमें आंवले का मुरब्बा खाते हुए फिटकरी का टेस्ट ना आए मुंह में, इसलिए हमें इसको अच्छे से 4 से 5 बार साफ पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के लिए हम एक छन्नी में भी इसको डाल के वॉश कर सकते हैं।
ये थोड़ा इजी रहता है। ये देखिए ऐसे एक भिगोनी में डाला, इसको हमने एक पॉट में डाला, अच्छे से रब किया और फिर छन्नी पर छान दिया। बस अब हमें क्या करना है, गैस पे पानी रख के गरम करना है। इसको हम गरम पानी में ही डालने वाले हैं। पानी हमें पूरा सफिशियंट लेना ताकि अच्छे से डिप हो जाए। एक्चुअली हमें इनको क्या बॉईल करना है, तो बस इसको हॉट वाटर में डाला हमने। फ्लेम जो है भी लो मीडियम रहने देंगे और बीच बीच में इनको चलाते रहेंगे। ये देखिए इनका कलर चेंज होने लगा है ना, लाइट येलो जैसे होने लगा है। पहले ग्रीन था, अभी लाइट येलो जैसे हो रहा है। और हमें कैसे पता लगे कि पूरे बॉईल होने वाले हैं ये, एक तो तरीका है इसको प्रेस करके भी हम देख सकते हैं, और दूसरा क्या है, ये थोड़ा ऊपर आने लग जाएंगे, यानी फ्लोटिंग करने लगेंगे, फ्लोट करने लगेंगे, पानी के ऊपर आके तैरने लगेंगे। जैसे ये इसका बॉटम छोड़ देंगे और पानी के ऊपर ऊपर आ जाएंगे। तो बस सबसे अच्छी पहचान यही है कि गरम गरम को अगर हम टच करेंगे और उसको प्रेस करके देखेंगे तो पॉसिबल नहीं रहता है, मुश्किल लगता है हमें। तो देखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब ये ऊपर आने लगे तो हमें समझ लेना है कि अब ये रेडी हैं, हाफ बॉइल हो चुके हैं। बहुत ज्यादा हमें बॉइल नहीं करना है, नहीं तो ये फट जाएंगे। मतलब एक बार देख लीजिए, स्पून की हेल्प से देख सकते हैं हम। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, अगर ये हल्के से प्रेस हो रहा है, इजीली हमसे प्रेस हो पा रहा है, तो मीन्स ये हो गए हैं। अब इस वाली स्टेज पे हम गैस ऑफ कर देंगे। अब के फौरन से हमें इसको ठंडे पानी में डाल देना है, गरम से निकाल करके ठंडे पानी में ट्रांसफर कर देना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कहीं ओवर कुक ना हो जाए, कुकिंग तो हमारी पूरी हो चुकी है, अगर हम इसको गर्म पानी में ही रहने देंगे तो ये ओवर कुक हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको 2 से 3 बार ठंडे पानी में डिप करके चेंज करते रहेंगे ताकि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। बस अब थोड़ी देर छन्नी में डाल करके थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे ताकि इनका सारा पानी हट जाए, अलग हो जाए, और थोड़े से ये हमें ड्राई करने हैं ताकि पानी बिल्कुल सूख जाए इसका। तो इसके लिए हमें अब क्या करना है, इस छन्नी से हटा करके एक टॉवल पर हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं। अब ये पूरे ठंडे तो हो ही चुके हैं और इनका पानी भी अलग से हो गया है, पूरा पानी जो है वो टॉवल ने सूख लिया है, ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। अब इसको हम एक पैन में ट्रांसफर कर रहे हैं, एक खुले बर्तन में ट्रांसफर कर रहे हैं, कढ़ाई में। जैसे सारे कढ़ाई में ट्रांसफर करने के बाद इसके ऊपर हम चीनी डालेंगे। चीनी हमें कितनी लेनी है, 900 ग्राम, मीन्स जितना हमने आंवला लिया था ना उतना ही हमें शुगर लेना है। इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है बहुत हल्के हाथ से, और इसको हम ढक के रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। तीन घंटे बाद देखेंगे हम, चीनी पूरी मेल्ट नहीं हुई है लेकिन हाँ थोड़ी मेल्ट हो गई है। तो अब इस वाली स्टेज पे हमें इसको गैस पे रखना है लो फ्लेम करके, लो मीडियम भी कर सकते हैं, और इसको अब हमें बीच बीच में स्टर करना है। स्टर हम इसलिए कर रहे हैं कहीं चीनी नीचे से जल ना जाए और आंवले हमारे खराब हो जाएंगे, फिर इसलिए हमें
बीच बीच में इसको चलाते रहना है। और जब अच्छे से इसमें बॉईल आ जाए तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। पहले हमने इसको लो मीडियम रखा था फ्लेम को, अब हमने लो कर देना है। और लो फ्लेम पे अराउंड हमें 30 मिनट तक इसको कुक करना है, जब तक कि इसकी थोड़ी चाशनी जो है वो गाढ़ी ना हो जाए, जो शुगर वाटर है ना, शुगर सिरप, वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, थिकर हो जाएगा। ये देखिए जैसे एक तार की चाशनी बनती है ना, हमें उस वाली स्टेज तक इसको बनाना है। लेकिन बीच बीच में हम इसको स्टर करते रहेंगे, इससे क्या होगा, हमारे आंवलों का सबका सभी आंवले जो है एक ही रंग के बनेंगे। अदरवाइज क्या होगा, जो पार्ट आंवले का शुगर में डिप रहेगा वो तो डार्क हो जाएगा और जो ऊपर की साइड होगा वो लाइट हो जाएगा। तो इसलिए हमें बीच बीच में इसको अल्टी पल्टी करना है, इसको अलट पलट करते रहना है, ताकि आंवले जो है हमारे एक ही कलर के बने। अब देखिए ये जो सिरप है, ये जैसे एक तार की चाशनी है ना, इस लेवल पे हो गई है। तो अब हमें गैस ऑफ कर देनी है। अब थोड़ी देर इसको हम ठंडा होने देते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, कितने अट्रैक्टिव, जैसे मार्केट से मिलता है ना हमें आंवले का मुरब्बा, बिल्कुल ऐसे ही बना है हमारा। अब इसको हम एक जार में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये खाने के लिए रेडी हो गया है। अब चाहे तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। आंवला क्या रहता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, विटामिन सी से पूरा भरपूर रहता है। तो इसके आंवले के मुरब्बा बनाएं और खाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और मेरे इस चैनल द अंजू टॉक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।